नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़रूरी बात करेंगे। बहुत जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ ये सवाल मुझे सुनने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट्स में जो हम करते हैं क्या हमें सलाह की ज़रूरत है? निश्चित रूप से, पर क्या हमें सलाहकार की ज़रूरत है? डू वी नीड एडवाइज़र? क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज के ज़माने में जहाँ की विस्फोट हो गया, क्रांति हो गई कम्युनिकेशन की, इन्फॉर्मेशन की, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी विचार, कोई भी सलाह आपसे दूर नहीं है, आपके हाथों में है, आपके स्मार्टफोन में है। क्या ऐसी स्थिति में एक एडवाइज़र की, एक सलाहकार की हमें ज़रूरत है? और सलाहकार अगर ज़रूरत है तो उसको कैसे चुना जाए, इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि कैसा चुना जाए। लेकिन फिर कभी आज हम समझेंगे कि एडवाइज़र की इम्पॉर्टेंस क्या है, सलाहकार की ज़रूरत क्या है, और निवेश में वो हमारे किस तरह से मार्गदर्शन करते हैं या हमारे निवेश में किस तरह से मदद करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना होगा, हिंदुस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में भी, खासकर अमेरिका में, मैं तस्वीर आपके सामने लेके आया हूँ अमेरिका की। मैं अमेरिका की तस्वीर क्यों दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड अभी करीब 30 साल से हमारे सामने हैं, 25-28-30 साल से हमारे सामने हैं। एक आध म्यूचुअल फंड की बात करें जो पहले सरकारी नियंत्रण में थे और पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से म्यूचुअल फंड के जैसे ही कार्य करते थे, तो 50 साल हिंदुस्तान में हो गए, पर अमेरिका में करीब करीब 100 साल होने को आए। 1924 में पहला म्यूचुअल फंड आया था और उस देश के अंदर आधी आबादी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करती है, इसलिए उस मुल्क का यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है। डालबर एसोसिएट्स नाम का एक फर्म है जो वहाँ पर इस बात के लिए शोध करती है कि म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए या निवेश के ज़रिए इन्वेस्टर्स ने किस तरह का रिटर्न, किस तरह का प्रतिलाभ अपने निवेश से कमाया है। बहुत ही डराने वाली और खौफनाक तस्वीर हमें नज़र आती है, ध्यान से आप देखिएगा। ये दोस्तों हैं कि यू अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, क्या हम एक कामयाब इन्वेस्टर हैं? ये हर तस्वीर जो आपके सामने एक कॉलम नज़र आ रहा है, ये अपने आप में 20 साल का शोध है। 20 साल का शोध है का मतलब ये है कि अगर ये 1999 आपको नज़र आता है, ये 2000 आपको नज़र आता है, तो 1999 से पहले 20 साल मतलब 1980 से लेके 1999 तक 20 साल हो गए। 20 साल तक बाजार ने रिटर्न क्या दिया और एक इन्वेस्टर्स ने रिटर्न क्या कमाया, और ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में है। तो देखिए, 1980 से 1989 तक 20 साल के अंदर S&P का रिटर्न करीब करीब 17% के आसपास है, पर इसी बाजार में निवेश करके निवेशकों का जो रिटर्न है वो 9 या 9.5% के आसपास है। और ये हर खबर 1999, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेके इस तरह से आप देख सकते हैं। 2013 तक की तस्वीर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस पूरी तस्वीर में आप देखिए, हर कॉलम 20 साल की कहानी बताता है। और हर बार मैंने क्या देखा कि बाजार ने जितना रिटर्न दिया है उतना रिटर्न उसी बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों का नहीं है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान में इस तरह का शोध का पैमाना तो मेरे पास में नहीं है इसलिए, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। अब देखिए कि ये क्रिसिल की एक तस्वीर है जो बताती है कि हिंदुस्तान के इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स ने कैसा काम किया है, किस तरह का कार्य निष्पादन किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्रिसिल इंडेक्स ये कहता है एमफी का कि अगर आपने 1000 रुपये अप्रैल 1997 में निवेश किया है तो दिसंबर 2017 में ये 1000 का निवेश बढ़ के 50,000 रुपये के आसपास हो गया, 1 के 50 गुना। ये औसत है सभी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स का मिलके। ये अद्भुत बात है दोस्तों, पर दुखी करने वाली बात क्या है, इस तरह के रिटर्न कमाने वाले केवल 2% लोग हैं। बहुत से लोग इस यात्रा को पूर्ण नहीं करते हैं। क्या दिक्कत आती है, क्यों परेशानी आती है, हमने पहले भी बात की है, फिर हम बात करेंगे। फियर, ग्रीड, ईर्ष्या, जेलेसी, एनवी, जिसके बारे में हमने बात की थी, डर, हमारी भावनाएं, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रभावित करती है निवेश के अंदर कुछ गलतियां करने के लिए। इन गलतियों से हमें कौन बचा सकता है? यहीं पर एडवाइज़र महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में रोल अदा कर सकता है। ये हमारे सामने एक मिथ है, एक गलत भावना है कि एडवाइज़र का काम होता है हमें योजनाएं बताएं, अच्छी स्कीम बताएं, अच्छी टिप्स दें। ये उसका काम नहीं है। ये काम तो टीवी बखूबी कर सकता है, ये काम तो अखबार और मैगजीन्स बखूबी कर सकते हैं कि सबसे अच्छी योजना कौन सी है, सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है। अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है, बहुधा सारे इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं, सबसे अच्छी स्कीम बताओ यार, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ, कोई अच्छी स्कीम तो बताओ, पैसा रखा है मेरे पास में, मैं निवेश करना चाहता हूँ। तो आइए देखिए होता क्या है। एक बहुत मज़ेदार बात देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एडवाइज़र की ज़रूरत क्यों है और क्यों नहीं है। हम भावनाओं में काम करने वाला इंसान है, इंसान भावनाओं से प्रभावित होता है। मैंने कहीं पढ़ा था जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, यह है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स ओपिनियन 8.19।
और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन अपने मेंबर्स जो डॉक्टर होते हैं, उनके जो मेंबर डॉक्टर्स हैं, उनको ये सलाह देती है, फिजिशियंस जनरली शुड नॉट ट्रीट देमसेल्व्स और मेंबर्स ऑफ देयर इमीडिएट फैमिलीज। कुछ बात समझ में आई दोस्तों? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन अपने मेंबर डॉक्टरों को ये सलाह देता है कि वो स्वयं अपने पारिवारिक सदस्यों, निकटतम परिवार के सदस्यों का इलाज न करे। एक पिता अपने पुत्र की सर्जरी नहीं करता है, एक पुत्र अपने पिता की सर्जरी नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्या वो सर्जरी करना भूल जाता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन जब आप कोई चीज़ खुद पे लागू करते हैं तो भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, और जब भावनाएं आपके मन में आती है वो मन स्थिति को विचलित करती है, और जब मन स्थिति विचलित होती है तो फैसले गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो एडवाइज़र कौन होता है दोस्तों? एडवाइज़र वो होता है जो हमें हमसे बचाता है। दुनिया के महान कामयाब अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि निवेश में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप स्वयं हैं। जितना नुकसान आप स्वयं को पहुंचा सकते हैं उतना नुकसान आपको कोई दूसरा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जब दूसरा आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप प्रतिरोध करते हैं, पर जब आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं तो समझ में नहीं आता है। दोस्तों एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इन्वेस्टमेंट आसान होता ना तो दुनिया में सब कामयाब होते। ज्यादातर निवेशक कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि निवेश देखने में तो सिंपल नजर आता है दोस्तों, सरल नजर आता है, पर वो आसान नहीं होता है क्योंकि उसमें इमोशंस होते हैं। इमोशंस आपके मोशंस को तय करते हैं। मैं कहानी के जरिए इस बात को आपके साथ बात करने की कोशिश करता हूं। एक और दुविधा है, बहुत से निवेशकों का ये मानना है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अखबार, मैगजीन, टीवी वगैरह वगैरह हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन देते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए मैं अपना पैसा खुद संभाल सकता हूँ। क्या हम खुद अपना पैसा संभाल सकते हैं? आइए एक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हम बहुधा जब निवेश करते हैं तो मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। क्या हम बाज़ार को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? वी कांट। बाज़ार में जितने उतार चढ़ाव आते हैं वो वैसे ही हैं जैसे जीवन में आते हैं। मैं हिंदुस्तान का नहीं फिर से अमेरिका का बाज़ार दिखाता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के बाज़ार की कहानी 35 साल पुरानी है, पर ये कहानी मैं आपको 70-80 साल पुरानी दिखाता हूं। पिछले 80 साल से आप देखिए डाउ जोन्स के अंदर जितनी बार डाउ जोन्स में बढ़त देखी गई है उतनी बार गिरावट भी देखी गई है। इसका मतलब क्या है कि बाज़ारों में उतार चढ़ाव आते हैं, और जब उतार चढ़ाव आते हैं तो वो हमें कैसे प्रभावित करती है, दो बातें मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ। जिग्मे तेंजिंग नॉर्गे नाम के एक पर्वतारोही हैं जो तेंजिंग नॉर्गे के बेटे हैं। एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप शेरपा हैं, शेरपा कौन होते हैं? तो तपाक से उन्होंने जवाब दिया, शेरपा पहाड़ पे चढ़ने के एडवाइजर्स होते हैं, हम लोगों को एवरेस्ट चढ़ने में मदद करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपकी सलाह के बिना हम पहाड़ नहीं चढ़ सकते? क्या अगर हम पहाड़ चढ़ेंगे, एवरेस्ट पे जाएंगे, तो क्या हमें शेरपा की ज़रूरत है? वो कहते हैं कि नहीं, आप बिना शेरपा के भी पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। मैंने उनसे पूछा, ऐसा किसी ने किया है? कहते हैं हाँ, कि आज तक जितने भी लोग पहाड़ पे चढ़े हैं उसमें 2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना शेरपा की मदद के भी एवरेस्ट पे फतह पाई है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी ज़रूरत क्या है? वो 2 मिनट शांत रहे और फिर मुझे कहते हैं कि देखो भैया, ऐसा है कि जब आप पहाड़ के नीचे खड़े हो तो आप बादशाह हो। आपकी इच्छा है आप पहाड़ पे चढ़ो न चढ़ो, ये आपकी इच्छा है, पर एक बार आप पहाड़ पे चढ़ गए तो आपकी इच्छा खत्म हो जाती है, वापस उतरना पड़ता है, आप पहाड़ पे रह नहीं सकते। और जब आप पहाड़ से उतरते हैं तभी चुनौती शुरू होती है। अगर 100 लोग एवरेस्ट को फतह करने के लिए मरे हैं तो उसमें से 76 लोग कब घायल हुए या कब मृत्यु को प्राप्त हुए? जब वो पहाड़ से उतर रहे थे। पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है पर उतरना और भी मुश्किल है। इस चढ़ते बाजार में तो सभी रिटर्न कमाते हैं, पर ज्यादातर लोग गिरते बढ़ते बाजार में नहीं कमाते हैं। और ज्यादा इन्वेस्टर्स धाराशाही कब होते हैं? जब बाजार गिरता है। बढ़ते बाजार में तो गधे भी दौड़ते हैं और गधे घोड़ों से तेज दौड़ते हैं, पर गिरते बाजार में समझ में आता है कि गधा कौन था और घोड़ा कौन था। तो दोस्तों ये बाजार गिरता और बढ़ता है। जिग्मे तेंजिंग नॉर्गे ने जो बात बताई वो एग्जैक्टली है क्या? वो बात है युधिष्ठिर की बात है। देखिए महाभारत में क्या हुआ था। महाभारत के अंदर एक ऐसा समय आया कि जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बोला, आइए हम धूत क्रीड़ा, धूत गेम ऑफ डाइस है, गैम्बलिंग का एक खेल है, उसको हम खेलते हैं। युधिष्ठिर को उसने चुनौती दी खेलने के लिए। युधिष्ठिर जानता था कि दुर्योधन जुआ खेलना अच्छी तरह से नहीं जानता है, पर स्वयं को वो सबसे कामयाब जुआरी समझता था, जुआ खेलने वाला। बहुत शौकीन था जुआ खेलने का। अगर युधिष्ठिर की कोई कमजोरी थी तो ये कमजोरी ये थी कि वो जुआ खेलता था। उसने चिंतन किया कि मुझे इस इनविटेशन को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं स्वीकार करना चाहिए। जब आप सोचते हैं निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या सोचते हैं? कि बाजार ऊपर जाएगा
बाजार नीचे जाएगा, मुझे नहीं मालूम ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये तीन भावनाएं आपके मन में आती है। अगर आपके मन में ये भावना आएगी कि बाजार नीचे जाएगा तो आप निवेश नहीं करेंगे, अगर आपके मन में ये भावना आएगी कि आप निश्चित हैं तो इंतजार करेंगे, और अगर आपके मन में ये भावना आएगी कि बाजार ऊपर जाएगा तभी आप बाजार में निवेश करेंगे। तो जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को निमंत्रित किया तो उसके सामने तीन सवाल थे, खेलूं न खेलूं, खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। अगर अनिश्चित होता तो निर्णय नहीं ले पाता, अगर इस बात के लिए निश्चित होता कि वो हार जाएगा तो खेलता नहीं, उसने जब खेला तो क्या माना होगा कि वो ज़रूर जीतेगा। दोस्तों इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस। युधिष्ठिर को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो बेहतर जुआ खेलना जानता है, वो दुनिया में जुआ खेलने का सबसे बढ़िया खिलाड़ी है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है और उस जुआ खेल सकता है, वो निमंत्रण को स्वीकार करता है। दोस्तों अद्भुत बात देखिए, आपने ये सोच के निवेश किया कि बाज़ार ऊपर जाएगा पर आपके निवेश करने के बाद बाज़ार गिर गया, बिकॉज यू कांट प्रिडिक्ट। युधिष्ठिर भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, उसने सोचा वो जीतेगा पर वो हारने लगा, और जब हारने लगा तो क्या हुआ, जब आपके साथ में वो घटना घटती है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, जो आपने सोचा नहीं था, तो क्या होता है, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, और जब तनाव होते हैं तो निर्णय गलत होते हैं। एक जुआरी को आपने देखा होगा, जैसे जैसे वो हारता जाता है उसका तनाव बढ़ता जाता है, हारने पर जुआरी को खेल छोड़ देना चाहिए, पर जुआरी ऐसा नहीं करता है, वो दांव को बड़ा करता है क्योंकि वो तनावग्रस्त है, तनावग्रस्त है तो फैसला गलत हो गया, फैसला गलत हो गया तो अपना जो उसने शर्त है उसको बढ़ा दिया, उसके दांव को उसने बढ़ा दिया। युधिष्ठिर ने भी यही कहा, जिसको धर्मराज कहते हैं, जिसको सत्यवादी कहते हैं, जो कभी गलती नहीं कर सकता, वो इतनी बड़ी गलती करता है, इतना बड़ा अधर्मी बन जाता है कि अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को दांव पे लगाता है। कोई कल्पना कर सकता था युधिष्ठिर ऐसा काम करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसने प्रिपेयर नहीं किया था, वो तनावग्रस्त था। दोस्तों युधिष्ठिर से इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं स्वयं में ही सब कुछ हूँ, मैं जुआ खेलना जानता हूँ, सबसे अच्छा जुआ खेलता हूँ। उसने एक महान गलती की जो दुर्योधन ने नहीं की, दुर्योधन खेलना नहीं जानता था इसलिए अपने एडवाइज़र शकुनी को साथ लेके गया। अच्छा है, ख़राब है, कैसा भी एडवाइज़र है उसको साथ लेके गया, पर आपने ध्यान से देखा होगा कि युधिष्ठिर बिना अपने सलाहकार के इस खेल को खेलने चला गया। कल्पना करें दोस्तों, अगर वहाँ कृष्ण होते जो पांडवों के सलाहकार थे तो क्या ऐसा दृश्य बनता कि द्रौपदी को दांव पे लगाया जाता, महाभारत ही नहीं होती। और मज़ेदार बात देखिए, वी आर द क्रिएचर्स ऑफ हैबिट, हैबिट छूटती नहीं है। अपनी पत्नी को दांव पे लगाने के बाद, अपने भाइयों को हारने के बाद, अपनी पत्नी को हारने के बाद, अपने राष्ट्र को हारने के बाद, दोबारा एक साल के बाद में युधिष्ठिर दोबारा जुआ खेलता, आप जानते हैं ना इस बात को, दोबारा खेलता है, दोबारा गलती करता है क्योंकि आदतें आसानी से नहीं जाती है, और दोबारा हारता है, और जब वो दोबारा खेलता है तो दोबारा कृष्ण की सहायता नहीं लेता। दो बार ठोकरे खाने के बाद बात समझ में आती है, और जब बात समझ में आती है तो जब युद्ध होता है महाभारत का, तो इस कृष्ण को सलाहकार के रूप में अर्जुन हाथ जोड़ के साथ में लेके जाता है, और कृष्ण उसको विकल्प देते हैं, मेरी सेना ले जा या मुझे ले, मैं निहत्ता रहूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। मज़ेदार बात देखिए दोस्तों, बहुत ही अद्भुत बात है दोस्तों। सेना, नारायणी सेना जो कभी हारी नहीं थी, नारायणी सेना जिसकी पल पे आप कोई भी युद्ध जीत सकते थे, कौरव उसको ले गए। दुर्योधन को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अर्जुन को पूछा कि तुम्हें सेना चाहिए कि मैं निहत्ता चाहूँ, अगर ये ले गए सेना को तो मेरे हाथ में निहत्ता कृष्ण आ जाएगा, ये मेरे किस काम का। लेकिन दुर्योधन का आश्चर्य हुआ जब उसने ये देखा कि कृष्ण को अपना विकल्प देते समय अर्जुन ने नारायणी सेना को नहीं लिया और नारायण को ले लिया। अब इसको हमारे इन्वेस्टमेंट में लेके आइए, नारायणी सेना का मतलब है पोर्टफोलियो। कितना ही अच्छा पोर्टफोलियो है, बाजार गिरने पर रिटर्न नहीं देता है। कितनी ही मजबूत सेना है, अगर लीडर ना हो तो युद्ध नहीं जीतती है। ये सेना ले जाने के बाद भी दुर्योधन हार गया। नारायण जिसने कि शस्त्र नहीं उठाया, केवल सलाह दी, सलाह के बल पे अर्जुन जीत गया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, युद्ध शुरू हो रहा है, मूर्छित हो जाता है अर्जुन ये सोच के कि मैं अपने पितामह पे प्रहार कैसे करूँगा, मैं अपने गुरु से किस तरह से युद्ध करूँगा। वो वहीं पर गांडीव गिरा देता है, उसको ज्वर हो जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं, लड़ने से इनकार करता है। अगर उस वक्त उसने नारायणी सेना को लिया होता, अच्छे पोर्टफोलियो को लिया होता, तो क्या कमा सकता था, युद्ध जीत सकता था? नहीं। अर्जुन को वापस खड़ा किसने किया? समय पर सही सलाह ने खड़ा किया। दोस्तों सलाहकार आपका मित्र होता है, सलाहकार आपका मार्गदर्शक होता है, सलाहकार आपका टीचर होता है। यह सलाहकार की सबसे अच्छी बात है कि वो आपको आपसे बचाता है।
युधिष्ठिर का दुश्मन कौन था, युधिष्ठिर स्वयं था। ये बात पांडवों को समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने सेना न लेके, पोर्टफोलियो न लेके एडवाइज़र को प्राप्त किया। एक अच्छा एडवाइज़र अगर आपको जीवन में मिल जाता है तो वो आपके कामयाब इन्वेस्टमेंट के सफ़र में बहुत बड़ा साथी साबित होता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।